नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाई स्टडी पर उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती अड़सठ सौ छात्रों के मामले में सुनवाई लगातार जारी है मित्रों लगभग पचासी मिनट से लगातार सुनवाई हो रही है और जो आप लोगों के लिए राहत भरी खबर है वो अभी अब आपको मित्रों चंद मिनट के बाद पता चल जाएगा यूपी टेट ऑफिशियल आंसर की आज होगी जारी सत्तासी सौ नई टी जी टी पी जी टी का विज्ञापन हुआ जारी जूनियर शिक्षक भर्ती रिजल्ट अधर में क्यों लटकी हुई है अभी तक इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन बेल प्रेस कर लीजिए चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती हुई लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है अब आइए दोस्तों वन बाई वन करके अपडेट ले लेते हैं पहला नंबर बात करते हैं यूपी टेट की यूपी टेट की परीक्षा आप सभी के संपन्न हो चुकी है और आज ऑफिशियल जो आंसर की है वो जारी किया जाएगा जैसा आप सभी जानते हैं कि मित्रों ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2017 से रिपीट हुए थे यानी जिन भी भाइयों बहनों ने अभी तक आंसर की के बारे में कुछ जानकारी उनके पास नहीं है तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग 2017 का भी जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से मिलान अगर कर लिए होंगे और उसके बाद जो आज आंसर की आएगी मित्रों जारी डिफरेंट नहीं रहेगा क्योंकि 2017 में जो मामला था मित्रों चार नंबर आप सभी को कामन नंबर मिले थे इस बार भी मित्रों वही परिदृश्य परिदृश्य होने वाला है कि आप सभी को कोर्ट के माध्यम से हो या अगर बोर्ड समझ जाती है कि जो हाँ मैंने जो पुरानी गलती की थी उसको सही कर ले पहले से ही अगर आंसर की में चार नंबर आप सभी को कामन नंबर देते हुए आंसर की जारी करती है तो मामला मित्रों कोर्ट की तरफ नहीं जाएगा और अगर सरकार या कहे मित्रों बोर्ड खुद चाहती है कि आप लोगों का मामला कोर्ट की तरफ जाए और भर्ती प्रक्रिया लटके तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ मित्रों हेर फेर करने वाली है यानी मित्रों दाल पूरी तरीके से काल, काली हो चुकी है अब बात करते हैं अड़सठ छात्रों को मित्रों जो मामला है वो अड़सठ हज़ार पाँच सौ वाले भाई बहन कोर्ट केस किए हुए हैं कि अड़सठ सौ छात्रों को किस तरह से उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है किस तरह का से किस तरीके से उनका लिस्ट जारी हुआ है तो मित्रों आज सुनवाई लगातार लगभग पचासी मिनट से जारी है और सब मिलाकर यही है कि कोई भी स्टे नहीं लगा है और आप सभी की विजयश्री फतेहश्री होने वाली है आज मित्रों कोर्ट में ए साहब भी मौजूद हैं और आपकी तरफ से धुआंधार बहस जारी हो रही है और सब मिलाकर यही है कि आज जज साहब ने मित्रों ये भी कह दिया है कि सरकार चाहे तो अड़सठ सौ छात्रों को नियुक्ति पत्र दे सकती है और सरकार के विवेक के ऊपर तय करता है यानी मित्रों आप लोगों के ऊपर मित्रों जो अड़सठ सौ हमारे भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी आँच आने वाली नहीं है क्योंकि आज जो सुनवाई हो रही है काफ़ी तर्क वितर्क के साथ में सुनवाई हो रही है क्योंकि आपका मामला मित्रों एकदम आपके संवैधानिक उससे जुड़ा हुआ है कि जब आपके सत्ताईस प्रतिशत इक्कीस प्रतिशत रिजर्वेशन का हनन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को इतनी सीटें नहीं मिल रही हैं तो सरकार को अड़सठ सौ सीटें देनी पड़ेगी इसीलिए मित्रों जज साहब भी सहमति जताते हुए आप लोग के जो अड़सठ सौ छात्रों पर लिस्ट आई है उससे पे किसी भी तरीके से स्टे लगाने से इनकार कर दिया है उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार जब चाहे तब इन्हें नियुक्ति पत्र दे सकती है और सरकार के विवेकाधीन के ऊपर होता है कि पदों की संख्या घटा सकती है बढ़ा सकती है और ए साहब ने कहा कि अड़सठ की जो अभी तक बाईस से तेईस सीटें खाली हैं उसमें किसी प्रकार के के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया गया है यानी मित्रों अभी तेईस हज़ार सीटें उधर रिक्त हुई हैं और जो ये अड़सठ सौ सीटें आपके ऐड हुई होना था शिक्षक भर्ती में ये मित्रों आपके जो समझिए फ्रेश भर्ती के उससे ऐड हुई हैं तो आप सभी को मित्रों ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि आपका जो मैटर है उस पर कोई भी स्टे नहीं लगा है अब बात करते हैं नई सत्तासी सौ नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती के बारे में वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से सत्तासी सौ शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जानी है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जारी किए गए भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार देश के विभिन्न आर्मी स्कूलों में टीजीटी पीजीटी और पीआरटी टीचर की भर्ती की जानी है शिक्षक भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया सात जनवरी से शुरू होकर अट्ठाईस जनवरी तक चलेगी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी टीचर की नौकरी की तलाश कर रहे लोगों लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है।, है मित्रों जो भी हमारे भाई बहन अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर दीजिए कल है लास्ट डेट यानी 28 जनवरी को लास्ट डेट रखी गई है अब बात करते हैं मित्रों जूनियर शिक्षक भर्ती रिजल्ट के बारे में तो जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है मित्रों काफ़ी दिनों से लटका हुआ है और रिजल्ट मित्रों अभी भी आपके आने के दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं है क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया को है सरकार के गलत नियम अधिकारियों के गलत नियम की वजह से मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है पहले तो एग्जाम जब होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं कि साइंस वालों का पेपर अलग से है उसके बाद हिंदी वालों का पेपर अलग से है जैसे हिंदी समाज सामाजिक विज्ञान वालों का उसके बाद रिजल्ट जारी होने की बात आती है तो कहते हैं सबका रिजल्ट एक साथ जारी होगा कोई भी उसमें ये नहीं रहेगा कि ये साइंस वालों का है और ये आपके हिंदी सामाजिक विज्ञान इन सब का नहीं है तो मित्रों मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा क्योंकि जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट ऐसे आएगा तो जो सीटों की संख्या है अधिकांश सीटें आपके हिंदी वाले अभ्यर्थी ले जाएंगे लेकिन सरकार मित्रों इसमें गलत नोटिफिकेशन ही जारी की थी जब सरकार को ऐसा करना चाहिए था तो कहीं भी ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए था कि साइंस वाले ये देंगे और आपके आर्ट साइंस वाले ये देंगे तो ये मामला भी आपका फंसता हुआ नज़र आ रहा है और साथ में इसमें आरक्षण का मुद्दा भी फंसा हुआ है इसलिए रियट अभी तक आपको आप लोगों के समक्ष मित्रों घोषित नहीं किया गया है तो सब मिलाकर यही है कि मामला आप सभी का उलझ चुका है तो उनहत्तर या शिक्षक भर्ती में अड़सठ छात्रों के मामले में जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में आप लोगों को जैसे सुनवाई समाप्त होगी उसके बाद छोटी से छोटी जानकारी आपके प्रेंट चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी और यूपी टेट का जो ऑफिशियल आंसर की आएगा तो सबसे पहले अपडेट आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी के माध्यम से मित्रों आप सभी को मिलता रहेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया फटा फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन में प्रेस कर लीजिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है और आप लोग ऑल ऑवरा नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम आपका दिन शुभ हो